Hello everyone. So recently I got a chance to visit many places in Uttarakhand. I have captured some moment and I just want to share it with you guys. So this video is also a part of that experience and that complete series. So let's get started with the video. तो चलिए शुरू करते हैं। So we started our journey with Delhi Metro and मेरे ठीक सामने आप देख सकते हो ये राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन। चाचा, ये सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? आगे की जर्नी हमने कंटिन्यू करी कार से और ये नैनीताल खारदुंगली रोड है। रोड वॉज क्वाइट गुड बट ये जंगल का रास्ता था तो यहाँ ना नेटवर्क थे ना लाइट्स और हमारी आईज वर लाइक बिकॉज लोग हम पे हाई बीम फेंक रहे थे पर इट्स ओके हम आगे चलते बड़े चल गए। और ये पूरा जंगल का रास्ता था जो कि हिमालयन बोटैनिकल गार्डन से होते हुए जाता है और यहाँ पाइपलाइन का काम चल रहा था तो पूरा रोड टूटा हुआ था। जैसे तैसे वी रीच टू नैनीताल फाइनली और रात काफ़ी हो चुकी थी। इट वॉज 12:30 एट दी नाइट। सो हमने सोचा कि अब हम स्टे करते हैं और सो जाते हैं और हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अर्ली मॉर्निंग वी रिकॉर्डेड दिस वॉज आर स्टे माउंटेन एंड मिस्ट। एंड पहले हम यहाँ नहीं रुकने वाले थे, हम पहले जीवीएन में रुकने वाले थे जो कि सामने दिख रहा है बट वहाँ पर ना कोई अटेंडेंट था ना कुछ और वहाँ का हमें रास्ता भी नहीं पता चला कि कहाँ से इसकी एंट्री है। सो वी फाउंड दिस वन एंड हम यहाँ रुक गए। एंड दिस वॉज रियली वेल मेड और ये बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल भी था। और ये इसका वॉशरूम है। तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इसके बाद हमने फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट किया और हम चल पड़े अपनी जर्नी के डे वन की तरफ। आई वॉज प्रीटी मच एक्साइटेड। और निकलते ही हमें दिखा नैनीताल लेक और सफ़र की शुरुआत हमने करी नैनी देवी टेम्पल से। ये टेम्पल लिटरली बहुत सुंदर है और यहाँ की वाइब्स आर रियली रियली गुड। और मंदिर जो लेक है उससे अटैच्ड है और यहाँ पर सिर्फ नैनी देवी का मंदिर नहीं है, यहाँ पर और भी मंदिर है तो हमने वन बाय वन सबके दर्शन किए। ये है शिवलिंग और यहाँ पर शिवलिंग एकदम आप देख रहे हो कितनी प्यारी जगह पर है, पीछे पूरा लेक का और पहाड़ों का व्यू आता है। और इस लेक में बहुत सारी मछलियाँ भी हैं, वैसे तो इन्हें खाना खिलाना मना है बट ये देखो कितना स्टाइल मार के और एकदम एक दूसरे को धक्का दे दे के खाना मांग रहे हैं, स्टाइल देखो। ये यहाँ के कई मंदिरों में से एक नवग्रह मंदिर है और यहाँ पर इसके ठीक ऊपर दशावतार मंदिर है जहाँ पे विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। जो पहला अवतार है वो मत्स्य अवतार है जिसमें कि वो मछली के रूप में सत्यव्रत को मिलते हैं और हाईग्रीव से वेदों को बचाते हैं। फिर उसके बाद आता है कच्चे अवतार जो कि आपने सुना ही होगा कि जब अमृत के लिए लड़ाई हो रही थी तब विष्णु जी कच्चे बन गए थे। फिर बरा अवतार है जिसमें वो धरती को बचाते हैं और फिर नरसिंह अवतार आता है जिसमें कि वो हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। फिर बामन अवतार में वो राजा बलि को हरा के इंद्र का स्वर्ग वापस दिलाते हैं। और उसका अगला अवतार जो है वो आता है परशुराम अवतार जिसमें कि वो घमंडी क्षत्रियों से लड़ते हैं और उनका संहार करते हैं। फिर राम अवतार में सभी को पता है वो रावण का वध करते हैं। और कृष्ण अवतार में बहुत सी लीलाएं रचाते हैं और कंस का वध करते हैं और मथुरा पे राज करते हैं। फिर बुद्ध अवतार में वो शांति का ज्ञान देते हैं। और जो इसके अगला अवतार है वो कल्कि अवतार है जो कि अभी प्रभु का आना बाकी है और वो कलयुग के अंत के लिए आएगा। दशावतार मंदिर के दर्शन के बाद हमने जो प्रसाद और श्रृंगार का सामान लिया था हमने वो माता को चढ़ाया। और थोड़ी देर लेक को देखने के बाद वहाँ के व्यूज़ एंजॉय करने के बाद और माँ को जय करने के बाद हम चल पड़े तिब्बतन मार्केट की तरफ। तो ये पूरा तिब्बतन मार्केट है, यहाँ पे काफ़ी सामान था बट इट वॉज़ प्रीटी मच एक्सपेंसिव। हमने भी कुछ सामान खरीदा और द नेक्स्ट प्लान वॉज टू बोट हेयर बट यहाँ पर टिकट्स और बोट्स अवेलेबल ही नहीं थी तो हमने सोचा लेट्स ग्रैब अ टिकट फॉर रोपवे और ऊपर चलते हैं। तो ये रोपवे से जाने वाला रास्ता है और यहाँ से पूरी लेक आपको दिखेगी। यहाँ से स्नो व्यू पॉइंट भी आप जा सकते हो ट्रैक करके, वहाँ से पहाड़ दिखते हैं। एंड दिस वॉज द डायनासोरस पार्क और यहाँ पर आपको डिफरेंट फिगरेंस दिखेंगे डायनासोर के लाइक दिस। ये एक रोबोटिक फिगर उन्होंने बनाया हुआ था। And this was really exciting for the kids. You can see ये कितना मस्त फिगर इन्होंने बनाया हुआ है। ये फॉसिल के रूप में बनाया हुआ था और ऊपर यहाँ पे कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स के भी फिगर्स थे लाइक दिस वन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेसिकली दिस वॉज अ एक्ट और ये एक रोबोटिक डायनासोर था, इसके अंदर एक आदमी ऑपरेट कर रहा था विद कैमरा एंड एवरीथिंग। क्यों हिला डाला ना? Once more!
डायनासोर के दर्शन के बाद हम चले गए ऊपर जहाँ पर कि फ़ोटो पॉइंट था और लोग यहाँ फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे, तो हमने भी कुछ फ़ोटोज़ खिंचवा ली। और यहाँ पर एक मार्केट था, यहाँ पे काफ़ी स्टफ था बट हमारे पास टाइम नहीं था बिकॉज़ हमें भीमताल निकलना था, तो हम फटाफट रोपवे लेके नीचे पार्किंग की तरफ आए। और यहाँ पर लिटरली बहुत सुंदर व्यू था, यू कैन सी द सनसेट, इतना मेस्मराइजिंग था। गाड़ी की चाबी लेकर हम चल पड़े भीमताल की ओर और हमने करा लेक को टाटा बाय बाय और करा हमने दूसरी लेक को हाय विच वॉज इन भीमताल और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। सो दिस वॉज आवर स्टे देयर जो कि सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। स्टे का नाम था लिटिल नेस्ट और ये लिटरली बहुत ब्यूटीफुल था और जो यहाँ के होस्ट थे वो भी बहुत अच्छे थे। और इसके आसपास बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हो आप खेत हैं और ये स्टे बहुत लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा था, नेक्स्ट टाइम भी मैं यहीं रुकूंगी। देन वी कंटिन्यूड टू आर डे टू। बाहर निकलते टाइम हमने देखा कुछ लोग पैराग्लाइड कर रहे थे और हमने सोचा हम भी करेंगे। मस्त प्लान है। पैराग्लाइडिंग पॉइंट तक जाने के लिए हमने निकाली गाड़ी और फटाफट से हम पहुँचे पैराग्लाइडिंग पॉइंट। टिकट लेते ही दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस टू द पैराग्लाइडिंग और ये 1200 मीटर्स की हाइट से था और लिटरली दिस वॉज रियली रियली फन। मुझे डर तो बहुत लगा एंड माई एक्सप्रेशन वर लाइक दिस, बट जैसे तैसे पूरा साहस बटोर के मैं नीचे तक आई और जो बंदा पैराग्लाइड करा रहा था ही वॉज वेरी नाइस, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया पूरे पैराग्लाइडिंग के दौरान और माई एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड। फिर पैराग्लाइडिंग करके हम चल पड़े भीमताल लेक की तरफ और ये भीमताल लेक है, यहाँ पे माहौल तो वॉज इतना पारिवारिक माहौल है ना। फिर हमने करी कायाकिंग बिकॉज ये मैंने कभी नहीं किया था, मैंने बोटिंग तो की थी बट कायाकिंग नहीं। बतकों से निकलने के बाद जैसे तैसे हम पहुँचे साइड में और ये एक्वेरियम कैफे है बगल में, दिस इज द एक्वेरियम कैफे, तो आप अगर कभी जाओ तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, हम तो नहीं गए थे। और ये लेक का व्यू है, दिस इज रियली ब्यूटीफुल। कुछ टाइम कायकिंग करने के बाद हमने बोला लेक को बाय एंड दिस वाज एंड ऑफ आवर ट्रिप व्हिच मेड अस रियली रियली सैड। दिस वाज अ कंप्लीट ट्रिप गाइस फॉर द 2 डेज एंड आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।